Hi all, I am extremely happy to introduce to all of you Dr. Anuradha Chauhan, a proud Damsonian who has successfully sailed through the MCI screening exam of the month June 2019 with a grand score of 153. Heartiest congratulations, Anuradha. Thank you. Anuradha was a student from the Bishkek batch. As all of you must be knowing, DAMS has also been conducting classes internationally in China, in Bishkek, and she's our proud student from the Bishkek batch. So how does it feel, Anuradha? It feels great, ma'am. It's like a dream come true. Finally, the struggle has ended today. So you are from which university in Bishkek? I'm from ISM Bishkek. Kyrgyzstan. And when did you finish your MBBS? I just completed in May 2019 itself. Okay, so you became eligible for this month's exam and successfully cleared also in yes. First attempt. Yes, ma'am. Okay, that's so great. Okay, so please tell us about how you came to know that DAMS is conducting classes in Bishkek and what made you, you know, enroll yourself in our course. Ma'am, I saw a post on FB, so I came to know about DAMS over there. तो अच्छा so लगा फेसबुक हाँ तो फेसबुक पे देखा था अच्छा लगा काफ़ी इंस्पायरिंग लगा तो एक डेमो क्लासेस कंडक्ट की थी सिद्धार्थ सर ने ओके वो लिया फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगा तो फिर ज्वाइन किया डैम्स वहाँ पे एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई मस्ट टेल ओके सो अमंग्स द प्लेथर ऑफ इंस्टीट्यूट्स फ्लोटिंग अराउंड फॉर एफएमजी योर एक्सपीरियंस सो यू वेंट अहेड विद डैम्स विदाउट एनी डाउट इन योर माइंड ओके सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द क्लासेस ओवर देयर The classes were fantastic. The faculty is so good and so helpful. It means you. Thank you so much. अगर आपको कोई भी doubt है तो आप multiple times पूछ सकते हैं. They'll never complain कि नहीं. And you can like clear your doubts in the class itself. You never need any like doubt session or something. And it was great. The experience was immensely great. I'm so happy to know that. एंड क्लासेस के बारे में थोड़ा सा और व्यूअर्स को अगर आप बताना चाहो कि कितनी इंटरवल पे क्लासेस होती थी एंड वाज़ द कोर्स कंप्लीटेड ऑन टाइम यस मैम आई कैन टेल अबाउट दैट आल्सो एक्चुअली द होल 19 सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस एंड द क्लासेस वर कंडक्टेड आफ्टर द इंटरवल ऑफ वन और टू वीक्स एंड वन फेज वाज कंप्लीटेड इन वन मंथ इटसेल्फ एंड The classes were for 1 week continuously and it was for like around 8 hours a day and the classes were very good, the faculty was awesome and the classes were if जैसे किसी स्टूडेंट को ऐसा होता था कि उसकी कॉलेज की क्लासेस हैं तो वो अगर फैकल्टी को बोलता था तो एडजस्ट मैनेज हो जाता था मैनेज हो जाता था फॉर श्योर ओके दैट वाज एक्चुअली आई वाज वांटिंग टू आस्क दैट क्वेश्चन आल्सो कि क्लासेस डैम्स की क्लासेस और अपने कॉलेज के शेड्यूल को जगल कैसे करते थे कोई दिक्कत हुई नहीं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि कॉलेज की क्लासेस मॉर्निंग में होती थी कभी कभी ऐसा होता था कि वो टेस्ट वगैरह है इवनिंग में बट टीचर्स वर सो हेल्पफुल हम लोग बोलते थे कि मैम क्लास है या सर क्लास है तो दे वर लाइक ओके आप थोड़ा लेट आ जाना हम लोग रिपीट कर देंगे वो पोर्शन एंड इट वाज वेरी गुड ओके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसा क्लासेस को लेके ओके दैट्स ग्रेट एंड अब थोड़ा अपने पढ़ने के पैटर्न में अगर आप प्लीज़ बताओ बिकॉज अभी आपको बहुत हज़ारों लोग देख रहे होंगे एंड दे आर लुकिंग अप टू यू एंड वॉन्टिंग टू नो कि आपने कैसे पढ़ाई की और फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे निकाला फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो उसको फर्स्ट ईयर से ही होता है कि एक एमसीआई टेस्ट देना है एक बहुत बर्डन होता है हमेशा एक बर्डन होता है उसके ऊपर बट दिस एग्जाम इज नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू आर स्टडिंग इन अ प्रॉपर वे यू आर हैविंग प्रॉपर गाइडेंस विच आई वॉज हैविंग फ्रॉम डैम्स एंड द फैकल्टी तो आप कर सकते हो इजीली द पेपर इज नॉट दैट टफ यू कैन डू इट इजीली वेरी इजीली So basically, doing sincere work, I mean, studying sincerely and studying the right notes. Yeah. I mean, studying the right material. ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी लेके बस पढ़े जा रहे हैं because so many books are available in the market. Ma'am, notes are more than enough. If you are having proper notes, you don't have to refer any guidebooks or you don't have to take notes from the market because the notes from the market are not good at all and the guidebooks are just a wastage of time. If you are having good notes, just revise them ample number of time and you will for sure succeed in the exam. Okay, so that brings me to the next question. आपकी इतनी confident assessment आपकी इतनी कॉन्फिडेंट असेसमेंट अबाउट द एग्जाम कि गाइड बुक्स आर अ वेस्ट एंड ऑल दैट ब्रिंग्स मी टू द माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि एग्जाम इस बार आपने दिया तो कैसा लगा व्हाट इज योर जजमेंट
because you must have, you only was telling me when I went to Bishkek for microbiology classes that your seniors have been telling you ki guidebooks padho, guidebooks se 80% questions aise aa jaate hain uthke. But did you do guidebooks? Did you listen to them? No ma'am, absolutely. मैंने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी. सारे seniors बोलते हैं कि guidebooks करो, notes तो market में मिल जाते हैं, you don't need to attend any coaching or something. ऐसा कुछ भी नहीं है बिना नोट्स के. यू कांट इवन थिंक ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम बिकॉज एवरी वन नो कि बाहर जो पढ़ाई होती है वो इतनी अच्छी नहीं है. बट आपको अपने नोट्स पे भरोसा होना चाहिए. अगर आप एग्जैक्टली डैम्स के जो नोट्स हैं, क्योंकि मैंने तो डैम्स के नोट्स ही पढ़े थे एंड दे आर वेरी गुड. अगर आपके पास डैम्स जैसी अच्छी नोट्स हैं आप उनको 3 से 4 बार रिवाइज करो एंड द एग्ज़ाम इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू. Okay, so how would you analyze paper 1 and paper 2 critically? Critical analysis, how was paper 1? Paper 1, abhi jaise maine suna, paper 2 was very tough. Theek hai, toh, as far as I know, I have seen all these guidebooks and as far as micro is concerned, there are a hell lot of wrongly framed questions and stupid options. And, I can't even start talking about, don't get me started on the explanatory part. Okay, so it's going to be a waste of time of people who are going after guidebooks. And the pattern has changed a lot. Yes, ma'am, the pattern has changed drastically because earlier the MCI paper was easier as compared to PG, but now the like PG and MCI are at the same level and guidebooks are just like they are disguising the students. They are just creating a भ्रमित कर रहे हैं वो लोगों को. मिसगाइड करनी है. इल्यूजन सा है कि बस आप गाइडबुक्स पढ़ लो 80-90% पेपर. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको जब नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की तो आप कैसे पढ़ो. आई प्रिफर्ड योर माइक्रोबायोलॉजी नोट्स एंड दे वर लाइक वेरी गुड. इस बार माइक्रो से 17 क्वेश्चन आए थे और मैम के नोट से आउट ऑफ देम 16 दे वर राइट. थैंक यू सो मच, दैट मींस अ लॉट. और गाइड बुक्स में तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जो पेपर में थे भी नहीं. अब आप किसी भी गाइड बुक को देखो तो दे आर क्लेमिंग कि 2019 जून में ये क्वेश्चंस आए थे और मैंने तो वो क्वेश्चंस पेपर में देखे भी नहीं. तो पता नहीं वो कौन से क्वेश्चन पेपर लेके आ रहे हैं. तो अब जैसे पेपर बनाकर पेपर टू की बात करते हैं. पेपर टू मेरे ख्याल से काफ़ी टफ था. उसमें क्लिनिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, इमेज बेस्ड ज़्यादा थे. जी मैम, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताओ. अर्लियर ऐसा बोलते थे कि इमेज बेस्ड 5-6 आएंगे, डर्मा से आएंगे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है. इस बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन मोर देन 25 थे एंड दे वर फ्रॉम माइक्रो, डर्मा, सर्जरी, मेडिसिन, एवरी सब्जेक्ट. और ऐसा आप ऐसा कुछ नहीं है कि इमेज बेस्ड बहुत टफ है. अगर आपने बहुत अच्छे से नोट्स पढ़े हुए हैं तो वो नोट्स में से ही हैं. बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए उसके बारे में. आप इजीली कर सकते हो इमेज बेस्ड. प्लस जो इमेजेस हम दिखाते भी हैं क्लासेस में वो हम आपके लिए ईबुक ऐप पे भी अपडेट करते हैं ताकि आप पढ़ते नोट्स पढ़ते समय आप उनको खोलो एंड यू कैन कोरिलेट ताकि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रहे ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और दैट पर्टिकुलर डिजीज, है ना? जी मैम. एक फेसबुक पेज है डैम्स का, उस पर आप लोग डालते थे जो पिक्चर्स. फेसबुक क्लब 2019. फेसबुक क्लब जो है उसमें जो इमेजेस आई हैं उनमें से 4 या 5 इमेजेस डायरेक्ट आई हैं पेपर में एंड दैट्स लाइक रियली हेल्पफुल. जब आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप और भी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाते हो पेपर में कि या आई कैन डू दिस. एंड फर्स्ट पेपर वॉज ईजी. अगर आप फर्स्ट पेपर अच्छे से कर लेते हो तो सेकेंड पेपर आप अच्छे से कर पाते हो. इफ़ यू कांट डू फर्स्ट पेपर वेल देन यू कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग सेकेंड पेपर. ओके, तो फर्स्ट पेपर कैसा था? मतलब वन लाइनर बेस्ड या उसमें भी ज़्यादा इमेजेस वगैरह पूछ रही थी? नो, फर्स्ट पेपर वाज इजी. देयर वर डायरेक्ट क्वेश्चंस इन फर्स्ट पेपर. लाइक आउट ऑफ 150 वन कैन इजीली टेक गैस लाइक 135 मार्क्स. अच्छा, इट्स नॉट दैट टफ. फर्स्ट पेपर वाज वेरी इजी. द क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स, डैम्स नोट्स. एंड इफ यू रीड दोज नोट्स 3-4 टाइम्स यू कैन इजीली स्कोर 135 मार्क्स आउट ऑफ 150 इन द फर्स्ट पेपर. बट द सेकेंड पेपर was very tough. Like there were clinical questions. The questions were like of PG level. They were not easy. You okay. have to correlate many subjects to solve one so question. Integrated kind of a thing. Okay. So ये जो इस बार से, I mean not इस बार, अभी पिछले I think 2-3 सालों से ये नया trend introduce हुआ है, MCI ने किया है. तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो paper 2 वाले questions की आप बात कर रहे हो, clinically oriented questions, ये कोई ऐसे घर बैठे बैठे कर लेगा बिना classes attend किए, बिना class में teacher को सुने? Is it possible? No, it is not at all possible. अगर कोई ये सोच रहा है कि वो घर पे बैठेगा, guide books पढ़ेगा, notes कहीं market से ले लेगा बिना teacher की help के, बिना एक guidance के, आप नहीं कर सकते. Not even paper 1, not paper 2.
So even though paper one is sort of one-liner based paper, but still when you listen in the classes, when you listen ki teachers ne kya bola, kai baar hum koi jokes wagera bhi maarte hain, that also tend to remain, you know, in our memory. Ki acha is time pe teacher ne ye question pucha, ye maine galat bataya, ab main isko sahi karungi agar exam mein aa gaya, isn't it? Of course ma'am, because we our syllabus is very vast, almost 19 subjects. आप नहीं सोच सकते हो कि सब कुछ याद रहेगा. कुछ कई बार होता है incidences आपको याद रहते हैं कि यार मेरे friend ने कुछ गलती की थी या मैंने कुछ गलती की थी class में. आप उससे याद रखते हो and then the question like it hits you, haunts you back. Yeah, it comes in the question paper and you are like, oh my god, I'll never forget this in future. अभी मैं चाहे गलती कर लूँ class में या class test में. जी ठीक है. तो okay, that's very great. I mean that's wonderful कि classes helped you so much. और her as per her words, guidebooks are a total waste of time. She never did guidebooks, any guidebooks. She had total faith in DAMS notes and she's here with us, having cleared the exam in the first attempt. Okay, so any other online platform would you like to mention by DAMS which was useful for you? There is one more app of DAMS, that is eMedicos, that was not available at our time, but now it is available and it is very helpful. I saw one or two videos and the videos are very good. And it was there when I was preparing. It could have helped me more, I guess. Actually, at that time, aapke time, it was in preliminary stages, and now though it is all out there. And on eMedicos app, we have got MCI video solutions, video lectures, especially for students who are currently studying abroad. Okay, so if you can't come to DAMS, DAMS comes to you. And anyways, we are now expanding our wings in much more international centers other than Bishkek and China, right? And अब थोड़ा आपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ, कितनी कितनी बार आपने रिवाइज किया अलग अलग सब्जेक्ट्स को? मैम एज सच कुछ स्ट्रैटेजी नहीं होती है, बस आपको अपने नोट्स पे ट्रस्ट करना होता है और उनको रिवाइज करना होता है जितनी बार भी आप कर सकें. मैंने पर्सनली 3 to 4 टाइम्स रिवाइज किए. जो मेजर सब्जेक्ट्स थे उनको 4 टाइम्स और जो माइनर थे उनको 3 टाइम्स रिवाइज किया है. तो आप अगर अपने नोट्स को 6-7 टाइम्स भी रिवाइज करते हो तो वो वेस्ट नहीं है, आप कर सकते हो जितना आपके पास टाइम है. मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बट यू हैव टाइम, यू कैन रिवाइज इट एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स, सो यू कैन do the exam easily. Okay, अच्छा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी, देखो पढ़ना तो होता है ही, पढ़े बिना तो कोई काम नहीं, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट बीच बीच में ड्यूरिंग योर प्रिपरेटरी फेज एवरी वन फील्स लो एट टाइम्स, फील्स फ्रस्ट्रेटेड एंड टेंस्ड कि होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा. तो इन ऑल दीज मोमेंट्स वॉट हेल्प्ड यू, वॉट केप्ट यू गियर्ड अप एंड मोटिवेटेड? मैम इट्स ट्रू, लाइफ इज़ अ जर्नी जिसमें अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं. एट सर्टेन पॉइंट्स आई ऑल्सो फेल्ट कि आई कॉन्ट डू एनी थिंग, बट उस वक्त मैंने सुमेर सर के मोटिवेशनल वीडियोज़ देखे एंड इट हेल्प मी अ लॉट. आई यूज़ टू टॉक टू माई पेरेंट्स, स्पेशली माई मामा, बिकॉज शी इज़ द स्ट्रेंथ, शी इज़ माई स्ट्रेंथ, और उनके बिना तो आप कुछ सोच, उनके आशीर्वाद के बिना तो कभी भी कुछ नहीं होता है. तो सुमेर सर के जो मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं दे आर लाइक वेरी गुड, उनको आप सुनो तो ऐसा लगता है. I listen to all of sir's videos. They are amazing. Means उनको सुनके एक boost लगता है कि yeah we can do something, we can achieve. Positivity आती है. जी मैम. Energy मिल जाती है कि और पढ़ना है, अभी पढ़ना है. हाँ. एक kick मिलता है. Kick मिलता है. पढ़ते हैं आगे. And your experience with our faculty members? Experience was amazing. All the faculty members are very good. They're very helpful and they are the best in their field. Let it be microbiology or physiology or biochemistry. All the teachers are very good and they are the best for their subjects. Okay. So on this note, I wish you all the very best for your future endeavors. And I really, really hope to, see your interview once again when you clear the PG exam also. And our best wishes are with you. And but before we say bye bye to the audience, would you like to give a message to the MCI aspirants who are currently watching you? Yeah, sure, ma'am. I can just say ki aap apna jo bhi padh rahe ho, us jo bhi notes aap prefer kar rahe ho, if you are in DAMS, you are very lucky. Aap apne notes pe trust rakho, teachers pe trust rakho, and just follow one path. Don't get distracted. Log bahut kuch kahenge, guidebooks padho, ye padho, wo padho, but follow your notes, be with DAMS, and you can easily clear the MCI exam in the very first go, and that's a promise. Thank you so much, Anuradha, for your time. And again, I wish you all the very best for everything ahead in life. Thank you so much. Thank you.